तो यहां पर ये जो नोट्स हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन है सब टू द पॉइंट रखी। अब जैसे हमारे स्टूडेंट ने बताया कि बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, बीपीएससी में क्वेश्चन आया है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया है, तो हम इस फैक्ट को अपना पूरा करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो प्री प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो का मतलब होता है कि प्रारंभिक, यानी कि जब हम प्रोटो के रूप में आते हैं तो प्रारंभिक, प्री का मतलब होता है पूर्व प्रारंभिक, यानी इतिहास में जो हमारे स्पष्ट साक्ष्य हैं, जो एविडेंसेस है, उससे पहले हिस्ट्री का क्या सेगमेंट हमारे सामने रहता है। तो इसको अगर हम देखें तो पैलियोलिथिक, मैंने आपको बताया पैलियोस का मतलब होता है प्राचीन, तरीका बताया, लिथ, लिथ मतलब रॉक होता है, तो जब प्राचीन चट्टानी हम जब हमें चट्टानों को हम जो है वो औजार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किए थे, और हमारे औजार भी बहुत ही प्राचीनतम स्तर के थे, बेसिकली हमारा बेसिक पर्पज था किसी तरह से हड्डी से मांस को अलग करना, उसको कूटना और अपने जो है भोजन का इस्तेमाल करना, तो ये हमारा एक था। दूसरा हमारा मेसो, मेसो का मतलब होता है मध्य, लिथिक का मतलब होता है रॉक चट्टानी, और नियो का मतलब होता है नवीन, लिथ का मतलब होता है कि चट्टानी, यानी कि हम नवीनतम चट्टानी स्वरूप में हम यहां पर आ जाते हैं। तो 2800 से 1000 बीसी के बीच में आता है। फिर चाकोलिथिक, क्या बताया था मैंने चाकोलिथिक के बारे में, पढ़ाया था, हां या ना जवाब दो। चाकोलिथिक क्या बताया था आपको? शाबाश, आलम ने बिल्कुल सही जवाब दिया, गुड। बताओ क्या था? शाबाश। चाकोलिथिक के मतलब मैं क्या बताया था मैंने? गुड 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 गुड। शाबाश। ये चाकोलिथिक में आयरन एज कौन है भाई? क्या लिख रहे हो? थोड़ा नोट्स पढ़ लो, उसको रखने से, उसके ऊपर सर रख के सोने से वो विद्या अंदर नहीं घुसेगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, अभी ये वाला मेथड आया नहीं हमारा डाउनलोड वाला, अभी जब आएगा तब हम देखेंगे। चलो ठीक है, कॉपर के बारे में हम बात करते हैं, नेक्स्ट वन। शाबाश, तो ये सब भी आप पढ़ चुके हैं। द कॉपर होर्ड कल्चर, ठीक है, कैसे हमने तांबा इकट्ठा करना शुरू किया था। चीप पॉटरी टाइप्स, तो किस तरह से हम लोग मृदभांड बनाते थे, तो ये सब तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं कहां कहां उसके अवशेष मिले हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर प्रिंटेड, ब्लैक बोन रेड, रेड शिप्ड वेयर, ब्लैक ऑन द रेड प्रिंटेड पॉटरी, लस्ट्रस रेड वेयर, ठीक है, ये सब हमारा फंडामेंटल्स दिए हुए हैं। द मोस्ट डेवलप एंड वेल नोन ऑफ दिस कल्चर फेज इज इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हमें इस पॉटरी को, ये एक्चुअली पहले जो है वो एक बार पीसीएस में आया हुआ है, तो यहां पर उसको मैंने इनपुट दे दिया है, अदरवाइज अगर आईएएस के लिए देखोगे तो इतने ज्यादा हमें इनपुट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको चाहो तो आप ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं कि पॉटरी के कलर्स कौन कौन से थे, किस तरह के मृदभांड पाए गए, काले लाल मृदभांड इस तरह से हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट डेवलप एंड वेल नोन ऑफ दिस कल्चर फेज इज इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसके बारे में हमने बात किया, कितना बढ़िया अर्बन कल्चर था हमारे पास, कितना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, अन्नगार थे, स्नानागार थे, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। विच इज नोन एज द फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन इन इंडिया, मेन्स में क्वेश्चन आया, और हम लोग क्या कर चुके हैं, एनसीईआरटी आंदोलन में ये क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी मेन्स पे इस पर बारे में, यानी भारत का पहला, अगर देखा जाए, अगर हम कहते हैं कि विश्व में ही अपने आप में एक बहुत ही डेवलप अर्बन कल्चर, शहरी कल्चर था। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आज भारत के साथ जिसके पास दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड अर्बन सिस्टम था, जिसके पास ड्रेनेज सिस्टम था, आज आप देख रहे हैं बारी पानी बरस रहा है, नालियों से पानी बाहर जा रहा है, फ्लड आता है, आज अर्बन फ्लड अभी केरल में देखिए आपने कैसे हुआ, तो ये सब चीजें आज हमारे ऐसे ऐसे राष्ट्र में जिसके पास हड़प्पन कल्चर था वहां पर ये चीजें क्यों हो रही है, तो हमें वो समझना पड़ेगा कि हमें स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाओं की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए उसको जोड़ा गया था। यहां तक तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आ जाते हैं 2600 से 1800 बीसी, तो आपको पता है इसके साथ आपको क्या करना है, ठीक है, 2600 क्या है, ठीक है, तो आपको कल फोनेटिक्स सिखाया था, 1800 बीसी के बीच में क्या है, तो ये वो काल था जहां पर जो इंडस या हड़प्पन कल्चर था, जो सिंधु सभ्यता थी या हड़प्पा की सभ्यता थी, वो मैच्योरिटी की तरफ जाए, शुरुआत होने के साथ साथ मैच्योरिटी, यानी कि वो अपने जिसे कहते हैं वैभव के उभार पर थी, ठीक है, तो वो यहां पर हमें देखने को मिलता है। लार्जेस्ट एंड द फेमस सिटी ऑफ दिस पीरियड वर कौन सा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसका तो मैपिंग आपको कराया है, कालीबंगन, ठीक है, जहां पर काली चूड़ियां, बंगन दैट इज जो ब्लैक आपकी चूड़ियां होंगी, लोथल आपको दिखाया था कि सबसे बड़ा बंदरगाह था उस समय का, सुतका गेंडोर, ये सारे नाम आपने देखा, बनवाली, ठीक है, धौलावीरा, ये सब बेसिकली वहां के उस समय के मोस्ट डेवलप इकोनॉमिकली हाईली इकोनॉमिक सिस्टम। मैंने लोथल के बारे में बताया था कि आपका वो एक वाणिज्यिक पोर्ट था, एक कमर्शियल पोर्ट के रूप में वो डेवलप होता है, ठीक है, तो ये सब तो हमने मैपिंग भी इसकी कर ली थी। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डेवलप हड़प्पन साइट इन इंडिया, ये सबसे ज्यादा साइट थी। तो अगर आपको ऑप्शन में आता है कि
इसमें मान लीजिए एक नाम फालतू दे दिया, इधर उधर का दे दिया, और बोला कि इसमें से सभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस हड़प्पन साइट्स, तो हड़प्पा की सबसे प्रमुख स्थल कौन थे, इसमें मान लो एक और नाम दे दिया, मान लो जो है वो जहां पर हमारे शव पाए गए या जहां पर हमारे जो कब्रगाहें पाई गई उसका नाम आपने जोड़ दिया, तो उसमें आप पूछा कि पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, चारों सही है, तो पता चला उसमें एक नाम नहीं है, तो यहां से वो उठा के बोल देगा कि इस तरह से क्वेश्चन वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा के प्रसिद्ध स्थल रहे हैं, उसमें एक नाम उसने आउट ऑफ द लाइन कर दिया, आउट ऑफ द लीक कर दिया, ईमान गांव का नाम मान लो दे दिया, तो वो उसमें साइट आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। डन है, नेक्स्ट वन। फिर 1800 से 1500 बीसी हम समय में आगे की तरफ आ रहे हैं, तो ये वो समय था जब एडवेंचर ऑफ आर्यंस इन इंडिया, भारत में आर्यों का जो है वो आगमन हुआ। हालांकि इस कंट्रोवर्सी थ्योरी पर मैंने अश्विन सांघी का जो है वो जो रिसर्च है उस पर मैंने बात किया था, तो यहां पर जो मैंने बात किया कि ये कहा जैसे अंग्रेज जितने भी जिन्होंने लिखा, चाहे वो व्हीलर हो, मार्टिन हो, तो ये सब ने जो लिखा वो बेसिकली इस तरह से लिखा कि आर्यंस बाहर से आए। अभी भी ये थ्योरी जो है वो लेफ्टिस्ट में, वामपंथियों में, या जो ब्रिटिश स्टाइल में लिखने वाले लोग हैं, इस पर बहुत लंबी हमारी डिस्कशन हो चुकी है, तो यही मानते हैं कि आर्य बाहर से आए। लेकिन जो अभी इंडिजीनियस खोजें हो रही है वो माना जा रहा है आर्य बाहर के लोग नहीं थे। खैर, हमारा काम तो केवल अभी जो हमारे पास है उसको हमें पढ़ना है। फिर 1500 से 900 बीसी, ठीक है, अब बीसी में हम आ गए, बिफोर क्राइस्ट में, ये तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था बीसी क्या है, एडी क्या है, तो अभी भी देखो क्राइस्ट के नाम से सारा चल रहा है, इस पर तो हमारी काफी चर्चा हो चुकी है, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं, तो ये वैदिक एज कहलाता है, यानी वैदिक काल कहलाता है। तो 1500 को तुम लोगों ने क्या बनाया, 15 के लिए क्या यूज किया, 100 के लिए क्या यूज किया, क्या क्या इसमें फोनेटिक्स क्या यूज किए, जुगाड़ से इसको सेट करना है। 1500 मतलब टॉवेल, टी और डी एस जेड, एल, तो आप इसका जो फोनेटिक्स बनाइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हाँ, तो आपको इसके बारे में थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। तो उसमें वैदिक एज, वेदों के बारे में अध्ययन करने के, इसके साथ आप उसको जोड़िए, इससे रिलेटेड ये जो है फोनेटिक्स बनाइएगा, कि इससे रिलेटेड हमारा फोनेटिक्स तैयार होना चाहिए। तो कंपोजिशन ऑफ द हाइम्स ऑफ द ऋग्वेद, द पीरियड ऑफ ऋग्वेद, सामवेदा एंड यजुर्वेदा, तो वेद के बारे में आपको बताया था, हाइम्स के बारे में बताया था, तो इसमें क्या क्या था, इसमें किसकी किसकी पूजा की जाती थी, इंद्र जो है प्रमुख देवता के रूप में थे, और किस प्रकार गुरु से शिष्य तक ये जो है राइम्स जो है हाइम्स जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते थे, इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है, हमने बस डेट के साथ उसको एड ऑन कर लिया। 900 से 500 बीसी की बात करते हैं, इसको लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि जो है वो वैदिक काल के बाद, यानी उत्तर वैदिक काल, याद होगा आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में दिस पीरियड ऑफ द लेदर वेदास, अथर्ववेद एंड ब्राह्मण्स, ठीक है, आर्यनक संहिता, अर्ली उपनिषद एंड सूत्रास, ये सब धीरे धीरे आते चलते चले गए, ठीक है, तो यहां पर ये कल्चर हमारा आता चला गया, जिसमें अथर्ववेद सबसे लास्ट में, ब्राह्मण्स, ठीक है, जिसको हम लोग जैसे ब्रह्म के बारे में बताया था, जहां आत्मज्ञान को लेकर बात हो रही है, आर्यनक और संहिता, जितनी भी संहिताएं होती हैं, उपनिषद जहां पर गुरु शिष्य जो है वो एक दूसरे के साथ मिटकर बात करते हैं, तो वो सब चीज टोटल यहां पर इसके साथ आ जाती है। डन। फिर लेटर वैदिक पीरियड के साथ साथ हम आए गए और 6th और 5th सेंचुरी बीसी में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट से मात्र 500-600 साल पहले, तो इसको एज ऑफ बुद्ध और महावीर कहा जाता है। इसके बारे में जैन और बुद्ध धर्म में आपको पढ़ा चुका हूं, उनकी टीचिंग्स के बारे में बता चुका हूं। तो बिगिनिंग ऑफ सोशियो रिलीजियस प्रोटेस्ट मूवमेंट इन द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्ड वॉर, कल्चर यहां पर आ चुका था। तो सोशियो रिलीजियस यानी कि जैसे बुद्ध ही है, तो हिंदू धर्म में बहुत जब जड़ता आ गई थी, बहुत ज्यादा जो है ब्राह्मणिकल कल्चर में डोमिनेंस अगर देखने को मिला, या एक वर्ग जो पुरोहित वर्ग था वो ताकतवर होता चला गया, तो उसको लाइफ को ईज करने के लिए, आध्यात्म को आगे लेकर जाने के लिए, मनुष्य को मुक्त करने के लिए जो है वो इस तरह से हमें बुद्ध और महावीर, जैन धर्म, बुद्ध धर्म का एक उदय होते हुए हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो उस समय हमें जैसे 16 हमें महाजनपदास था, तो 16 महाजनपद कहा जाता, 16 महाजनपद, जिसमें मैंने आपको दो पढ़ाए थे मुख्य रूप से, कौन कौन से मैंने महाजनपद के बारे में बताया था आपको, सब क्लास के साथ पढ़ा चुका हूं, इसके साथ तुम अब एड ऑन करते चले जाओ। तो मैंने कौन से जो है वो सेगमेंट बताए थे, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, कौन है भाई अंजुराज, कैसे तुम्हें बिफोर क्राइस्ट, तो मैंने बताया था ना, वो तुमने लगता है क्लास ही नहीं देखी क्या, तुम्हें समय नहीं मिला इतिहास की क्लास की, कैसे
पश्चिम ने ही हमें बताया कि हमारा इतिहास क्या है। आज भी कहीं पढ़ रहा था तो उसमें यही देखने को मिला कि जब तक हमें हमारे इतिहास से सही तरह जोड़ा नहीं जाएगा, हम हीन भावनाओं के साथ अपने जुड़े रहेंगे। तो हम क्राइस्ट को ही सब कुछ मान रहे हैं, भैया क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट आए तो उससे पहले का इतिहास, उससे मतलब क्राइस्ट ने ही सब कुछ तय किया है, तो हमारे पास तो अपना कुछ है ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही है, वज्जी और मगध। वज्ज की राजधानी क्या थी? वज्ज की राजधानी शाबाश गुड वैशाली। 8 रिपब्लिक स्टेट्स बताया था मैंने तुम्हें, गण और संघ के बारे में आपसे बात हुई थी, गण क्या थे संघ क्या थे ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस चार्ट मेथड में अब उसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। 563 टू 483 बीसी ठीक है। अब गौतम बुद्ध के बारे में हम बात करते हैं कि एज ऑफ गौतम बुद्ध, ये स्वर्णिम काल था उनका, ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ था ठीक है, गोत्र नेम गौतम, बॉर्न एट लुम्बिनी। अब देखो कितने शॉर्ट फॉर्म में इनकी कहानियों को मैंने, इनकी टीचिंग्स आपको पढ़ा चुका हूं, इनके महत्व के बारे में बता चुका हूं, एक उनके बारे में जानकारी हम ले लेते हैं। तो इनका ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ था, इनके गोत्र नेम गौतम था, बॉर्न एट लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु ठीक है, जो नेपाल बॉर्डर पर लगता है लुम्बिनी में। बॉर्न टू सुद्धोधन एंड महामाया, इनके पिता और माता का नाम सुद्धोधन और महामाया था, पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है। ब्रॉट अप बाय महाप्रजापति कृष्ण गौतमी, मैरिड टू यशोधरा ठीक है, तो इनका जो है वो यशोधरा से इनकी शादी हुई ठीक है। अलग अलग समय में इनके अलग अलग नाम भी अलग अलग शास्त्रों में रखे गए, जिसको इनको बद्ध कंचना भी कहा जाता है, भीमा भी कहा जाता है, गोपा भी कहा जाता है ठीक है, और शाक्य की पुत्री भी कहा जाता है ठीक है। तो इनका जो है ये इतने नाम से इनकी पत्नी यशोधरा को जाना जाता है, इनके अलग अलग साहित्यों में नाम है। तो देखो एक ही लाइन में सारा डाल दिया, पीसीएस एग्जाम में तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से सीधे सीधे आते हैं कि इनके अन्य नाम क्या थे ठीक है। तो कई बार आपको ये सब जानकारियां नहीं मिलती, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये अलग से कलेक्ट किया गया है, तो आप इसके बारे में आप याद कर लीजिए ठीक है। इनको भीमा गोपा बद्ध कंचना शाक्य की पुत्री ठीक है, तो ज्येष्ठा इन नाम से जो है रखा, इनके पुत्र का नाम राहुल था। He left home the same night his son was born, जिस रात इनके सन जो पुत्र पैदा हुआ उसी समय ये छोड़कर चले गए। चन्ना was the charioteer and कंथका the horse on whose back he rode off। तो ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा, बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है कि वो जो सारथी था उसका नाम क्या था, तो उसका ना जो charioteer था सारथी उसका नाम था चन्ना ठीक है, और जो घोड़ा था घोड़े का नाम पूछा गया है। तो पीसीएस में इस तरह के चूंकि बड़ा ऐतिहासिक घटना है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है, तो नाम उसका कंथक था ठीक है, जिससे वो गए थे। तो जहां पर सबसे पहले इन्होंने जब अपना तपस्वी जीवन शुरू किया तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं महाभिनिष्कर्मण ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेट गोइंग फोर्थ यानी आगे, इसको बुद्ध धर्म में क्या बोला जाता है महाभिनिष्कर्मना यानी कि वो आगे बढ़ जाना, इसको द ग्रेट गोइंग बोलते हैं कि आगे बढ़ने की महान प्रक्रिया ये कहलाती है ठीक है। तो बुद्ध के घर छोड़ने की प्रक्रिया क्या कही जाती है, ये सब क्वेश्चन एक एक पॉइंट क्वेश्चन है, स्टेट एग्जाम में एक एक पॉइंट्स को जोड़ जोड़कर ये नोट्स बनाए हैं, इसीलिए खूब क्वेश्चन फंसता है और वो खूब रिपीट करते हैं ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी जो है वो हमें यहां देखने को मिलते हैं। बुद्ध का घर छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, देख लो यहां पर क्लियर। तो सब कुछ बहुत मेहनत से इसको कलेक्ट करके जो है बनाया गया है। लर्न द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन एंड उपनिषदिक टीचिंग फ्रॉम द अलार कालम सुजाता डॉटर ऑफ ए फार्मर ऑफर्ड हिम ए बाउल ऑफ राइस बॉइल्ड इन मिल्क। तो इनकी जो गुरु थी वो एक महिला थी, जहां उन्होंने मेडिटेशन और अपने जो है वो गुरु शिष्य की ज्ञान उपनिषद रूप में गुरु अपने शिष्य को सिखा रही, तो उनका नाम था अलारा कलम ठीक है। सुजाता द डॉटर ऑफ ए फार्मर ऑफर्ड हिम ए बाउल ऑफ राइस बॉइल्ड इन अ मिल्क ठीक है, जिसको हम लोग खीर कहते हैं, वो दिया था। व्हाइल ही वॉज मेडिटेटिंग बीनीथ अ लार्ज पीपल ट्री On the outskirt of Gaya, he sat there for the 49 days and finally attained true knowledge, जिसको हम लोग बोलते हैं संबोधि। तो जो enlightenment हुआ था कि जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे
तो 49 दिनों तक वो साधना में रहे, और होता है ऐसा, ठीक है। आप जैसे एक बार मैं 11 दिनों तक लिखता रहा, तो एक समय आता जब अंदर से बहुत आप परेशान होते हैं, प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इनलाइटमेंट होती है, ठीक है। तो संबोधि नाम उसका दिया गया, अंडर द पीपल ट्री विच बिकेम द बोधि ट्री, आगे चलकर उसी को ही बोधि ट्री कहा गया। बोधि का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, नो योर सेल्फ। जर्नी टू द डियर पार्क नियर वाराणसी सारनाथ, ठीक है। डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन देयर टू हिज फर्स्ट 5 डिसिप्लिन, 5 शिष्य उनको मिले जहां पर उन्होंने अपनी बात कही, और उनको क्या नाम दिया गया वो पांचों शिष्य जहां पर सबसे पहले उन्होंने अपनी बात कही, वो था पंच भद्राज, पांच भद्र, भद्र मतलब सज्जन लोग, तो पंच भद्रा, पांच भद्र लोग। और वहां पर क्या हुआ, धम्म चक्र परिवर्तना, ये क्वेश्चन तो तुम्हें पता है यूपीएससी से लेकर पीसीएस तक हर समय आया है। तो धर्म चक्र परिवर्तना क्या है, धर्म चक्र परिवर्तना का मतलब होता है वो पांच लोगों को ज्ञान देने की प्रक्रिया। किसको किसको याद आ रहा है ये सारे क्वेश्चन जो है, 39 की जगह उसको 49 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सही कर लो, कोई बात नहीं है। हाँ, पीएम ने अभी, इन्होंने बताया पीएम ने जो है वो इनॉग्रेट किया है वो कुशीनगर एयरपोर्ट, ठीक है। तो करंट के साथ आप जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा आपको पता होगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सारे, मतलब इसमें से, इसीलिए तो कह रहा हूं इतने इतने क्वेश्चन फंसे कि बच्चा इसी में इतना खुश रहता कि सर हो गया, इसी में हमारा काम निकल गया। क्या है ये धर्म चक्र परिवर्तन, सिटिंग इन अ मोशन द व्हील ऑफ द लॉ ऑफ धर्म, तो धर्म का एक जो है वो चक्र होता है उसके बारे में बात हो रही है। गैदर टूगेदर अ डिसिप्लिन बॉडी ऑफ मॉन्क्स नोन एज भिक्षुक एंड ऑर्गेनाइज देम इनटू द मोनास्टिक ऑर्डर, संघ जिसको हम लोग बोलते हैं सम, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कृष्ण गौतमी ही फॉलोड द फॉर्मेशन ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ नंस फीमेल मोनास्टिक ऑर्डर ऑफ द संघ, ठीक है। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि संघा क्या है, कि वहां पर मोनेस्टिक ऑर्डर की मतलब भिक्षु के रूप में रहेंगे, दान लेंगे ताकि आप किसी भी विलासिता के साथ किसी भी चीज के साथ अटैचमेंट ना हो और आप इनलाइटमेंट यानी कि सेल्फ अवेयरनेस के लिए काम करें। और गौतमी, कृष्ण गौतमी ने उनसे कहा था कि महिलाओं को भी शामिल करिए, तो फीमेल मोनेस्टिक ऑर्डर्स के लिए भी उन्होंने इसके बारे में बात की थी। द बुद्ध डाइट और अटेंड निर्वाणा बिलो अ साल्ट ट्री एट कुशीनगर, जहां पर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ है, और ये बहुत लंबा रनवे है, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रनवे है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बुद्ध सर्किट भी बोला जाएगा, क्योंकि बुद्ध के लिए जो बुद्ध के प्रवर्तक है, जो मानने वाले हैं, उनके ज्ञान प्राप्त करने से लेकर उनके महापरिनिर्वाण, उसको कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं, कुशीनगर में क्या होता है महापरिनिर्वाण बोला जाता है, जहां पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, वो चक्र पूरा करना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। टूरिज्म का बहुत ही बड़ा जो है सेगमेंट जो है वो तैयार होगा, बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था। तमाम कोरिया जो है, साउथ कोरियन, जापान, ये सब एबेंडेंट पैसा लेके बैठे हुए थे, कि भारत सरकार कह रहे थे कि यार तुम वहां फैसिलिटीज दे दो, हम तुम्हें इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। पता नहीं सरकारें क्यों नहीं सुनती थी, क्या चक्कर था उनका, लफड़ा क्या उनका रहा। लेकिन अब देखो ये हो गया, तो अब एयरपोर्ट हो जाएगा, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वो जो है जो बुद्ध को मानने वाले हैं चाइना में, श्रीलंका में, कोरिया में, जापान में, थाईलैंड में, वो सभी इसके साथ जुड़ना चाहेंगे। उनके लिए जैसे हिंदू धर्म में 4 तीर्थों को करना होता है, उसके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बोध गया से शुरू करके कुशीनगर तक जो है वो पूरा जो है सेगमेंट किया जाए। तो महापरिनिर्वाण, जहां पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, हिज बॉडी वॉज ऑल्सो क्रीमेटेड एट कुशीनगर, कुशीनगर में ही उनकी शव को जो है वो अंतिम संस्कार किया गया। 3 जेम्स, 3 रत्न ऑफ द बुद्धिज्म आर, कौन कौन से बुद्धिज्म के 3 रत्न होते हैं, ये भी एग्जाम में आए, द बुद्ध, द धम्म एंड द सम्मग, ठीक है। तो ये तीनों जो होते हैं, बुद्ध, धम्म और सम्मग, ये जो तीनों, ये 3 पिलर्स माने जाते हैं, 3 रत्न माने जाते हैं, जिससे पूरा जो बुद्धत्व है वो आपके जीवन का एक हिस्सा बनता है। अब जैनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, तो 242-468 BC, तो महावीर और वर्धमान का जो है वो ये समय रहा है, जिसके बारे में बात करते हैं। 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर, तो इनके जो प्रणेता थे उनको तीर्थंकर कहा जाता है, ऑफ जैनिज्म, सन ऑफ सिद्धार्थ, अब इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। अ चीफ ऑफ द नात्रिका क्लान एंड द ऋषाला, सिस्टर ऑफ द लिक्ष्वी चीफ क्षेत्र का,
He was married and has a daughter at the age of 30, renounced, right? यहाँ पर जो है इनकी कहानी बताई गई है कि किसके पुत्र थे, इनकी पत्नी का क्या नाम था, ठीक है. Order of the order founded by the Mahavira is known as the Nirgrantha, from the fetters of a jinnah. ठीक है, free from the fetters or jinnah. मतलब कहता है निर्ग्रंथ, यानी कि ग्रंथ रहित हो जाना, किसी भी पुस्तक को लगातार फॉलो ना करना. जैनिज्म में आपको लगातार इवॉल्व करना है, इसके बारे में वो बात करते हैं. द प्रोसीडिंग तीर्थंकर पार्शु वॉज नोन एज द 23rd तीर्थंकर. ठीक है, वर्धमान वंडर्ड फॉर 12 साल वो जो है वो इधर उधर घूमते रहे भिक्षु के रूप में. फाउंड इनलाइटमेंट इन 491 BC व्हेन ही केम टू नोन एज द अरहंत और जिना. ठीक है, इनको कहा गया महावीर के बारे में. महावीर वॉज बॉर्न एट कुंदग्राम नियर वैशाली एंड डाइट एट द एज ऑफ 72 एट पावा पटना बिहार. तो ये सब तो फैक्ट्स है, आप लोग इसको पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है. आगे चलते हैं, तो ये दो महान लोगों के बारे में फैक्ट्स काफी पूछे जाते हैं. यूपीएससी में इनकी टीचिंग्स पे बहुत फोकस करते हैं, इनके समाज पे प्रभाव पे फोकस करते हैं. पीसीएस में फैक्ट्स बहुत फोकस करते हैं, माता पिता का क्या नाम था, कहाँ जो वहां पर निर्माण हुआ, कहाँ पर जो है उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनकी टीचिंग्स क्या थी, इनके द्वारा जो एक स्टार्टिंग हुई उसको क्या कहते हैं, ये सारी चीजों के बारे में वो बात करते हैं. आगे बात करते हैं और राइज ऑफ मगध, मगध का उत्थान के बारे में बात करते हैं. मगध किस प्रकार जो है वो ताकतवर बना. तो 542 टू 493 BC का समय, तो ये इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं. ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट, तो 16th सेंचुरी BC आल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द मगध. तो हमारे महाजनपद के रूप में ये पैरामाउंसी यहां पर बनी हमारी. द डायनेस्टीज विच रूल ओवर द मगध ओवर द 16th महाजनपद आइडेंटिफाई विद द मॉडर्न साउथ बिहार. ठीक है, फ्रॉम द 16th सेंचुरी BC टू द 2nd सेंचुरी BC वर कौन कौन से आपको मैंने बताया था, हरियनक मैंने आपको इसके बारे में बताया, शिशुनाग, नंद और मौर्याज एंड द शुंग, उसके बाद मौर्य के बाद शुंग आया यहां पे. तो इन लोगों ने इस पे जो है वो ऑर्डर्स याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था मगध पे कौन से ताकतवर डायनेस्टीज, कौन से लोगों ने राज किया था, कौन सा, हरियनक ने सबसे पहले बताया, शिशुनाग, नंद, मौर्य और शुंग. ठीक है, तो इन लोगों ने इस पे राज्य किया. ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ द हरियनक डायनेस्टी ऑफ मगध. ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट किंग टू द बिल्ड अगर एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. तो अगर हम बात करें हरियनक डायनेस्टी ने मगध पे सबसे पहले जो है वो अपना एक ताकत बनाया, उस पर सब कुछ अपना जो है सेगमेंट किया, और आगे चलकर वो पहला ऐसा व्यक्ति था जो जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी प्रशासनिक व्यवस्था रखी. ठीक है, अंग और अंग को उसने क्या किया, एनेक्स किया, अंग को अपने साथ मिलाया. अंग भी एक हमारा महाजनपद था. ठीक है, इसका पुत्र था अजातशत्रु. ठीक है, तो अजातशत्रु इसका गवर्नर बना, उसको कुनिक भी कहा गया, इसको इतिहास की किताबों में कुनिक कहा गया. ठीक है, ही रूल ओवर ए किंगडम विच वॉज 300 लीग इन एक्सटेंट. ही रिसीव्ड एन एम्बेसी फ्रॉम गंधार. तो एन एम्बेसी फ्रॉम गंधार तक जो इसका एम्बेसी थी, इसकी जो है दूतावास था. मैरिड कौशला देवी हु वॉज अ सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत ऑफ कौशल. तो कौशल जो हमारा अभी आज जिसको हम लोग अयोध्या भी कहते हैं, कौशल जो महाजनपद था. हिज सेकेंड वाइफ वॉज चल्लाना, डॉटर ऑफ द लिच्छवी किंग चेतक. ठीक है, तो लक्ष्मी और ये सब किंग में आपको ये फैक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे. हिज थर्ड वाइफ वॉज वैदेही एंड हिज फोर्थ वाइफ वॉज खेमा, द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ द मद्रा. तो उस समय क्या था, शादियां करने से जो है वो तमाम संबंध जो स्थापित होते थे राजाओं के बीच में, और उनकी सीमाएं सुरक्षित रहा करती थी. ये कौन है, व्हाट वी आर रीडिंग एंड व्हाट यूपीएससी आस्किंग मेकिंग अ बिग डिफरेंस. देखो, ये जो फैक्ट्स हैं वो मोस्टली पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. हिस्ट्री में यूपीएससी फैक्ट्स पे कभी भी फोकस नहीं करता है ज्यादा, जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड आ रहा है. और एनसीईआरटी में जो बीटीएल होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हिस्ट्री के साथ एक दिक्कत ये भी है कि हिस्ट्री में ढेर सारे फैक्ट्स भी होते हैं, वो आपको पढ़ने पड़ते हैं. अब जैसे आपसे अगर आप आज जाएं और प्रीवियस ईयर पीसीएस के पेपर आप उठा लें, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा ले अगर आप पीसीएस के, तो उसमें आप देखेंगे कि बुद्ध के बारे में आपने देखा होगा, बुद्ध की टीचिंग्स के ज्यादा, उनके कहां उन्होंने शुरुआत की, कहां पे उनके पुत्र पत्नी का नाम क्या था. भाई एग्जाम के लिए तो हमें ये भी इंपॉर्टेंट है ना, अगर हम नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा. तो हर तरह के इसमें स्टूडेंट है, तो वहां पर हमें फैक्ट्स बताना पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी.
ठीक है, कि कहां पर है, कौन कौन सी इनकी महारानियां थी, ये सब फैक्ट्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको करने ही पड़ते हैं, इसीलिए तो बुकलेट दे दिया, पढ़ डालो उसको। अभी एक दो दिन में इसको रीड आउट कर लूंगा, इसके बाद फिर वापस उसी पे आ रहा हूं। तो जो ऐसे एनसीईआरटी में किसी को देरी हो रही है कि नहीं अब जाना है मुझे और ये सब है, तो वो जा सकते हैं, वो हिस्ट्री उसके बाद ये मेरा लास्ट टॉपिक है वो खत्म करके जा सकते हैं। ये मोर देन इनफ है उनके लिए, मतलब ये एनसीईआरटी से भी ज्यादा है, बहुत सी जानकारी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है ये सब। तो एक बार इसको पूरा देख लो, इससे तुम्हें क्या होगा, जो फैक्ट्स बिखरे हुए इधर उधर वो सब तुम्हें एक जगह कंपाइल हो गए। इसीलिए मैंने कहा ना कि एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से खूब आते हैं, तुम्हें एक ही जगह कि धर्म चक्र का नाम क्या था, वो पांच शिष्य कौन थे, ये सब क्वेश्चन आता है। अरे ये तक क्वेश्चन आता है गोमती नदी का, अभी पीपीसीएस का भी दो साल का पेपर देखोगे, गोमती नदी का प्राचीन नाम क्या है, गोमती नदी बहती है लखनऊ से, आपको पता है, तो प्राचीन नाम पूछ लिया था। ठीक है, अफगानिस्तान चर्चा में, अफगानिस्तान में कौन सी ऐसी प्राचीन नदी बहती थी, उसका नाम बताइए। अब कौन है, शिवांगी यादव सर, यूपीएससी के लिए तो बताइए, तो कहां से आई हो, इतने दिन से क्या चिल्ला रहे थे। अब है दीपांशु जी, फ्रॉम वेयर वी गेट दिस बुक, ले इसके लिए तो भैया तुम्हें अंतरिक्ष से सीढ़ी लगानी पड़ेगी, मार्क जुकरबर्ग और ये क्या नाम है, ये एलन मस्क के साथ जाना पड़ेगा, इसी के साथ है नीचे। थर्ड डिसिप्लिन नेम पूछा था, आया है एग्जाम में, आया है, सारे क्वेश्चन तुम्हें जो है मिल जाएंगे इसमें। अब किसी ने कहा कि अमृत ने पूछा है कि फैक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, आप जो पढ़ाते हैं वही अच्छा लगता है। अरे क्या करें भाई, हिस्ट्री है, कोई ज्योग्राफी थोड़े ना है, इकोनॉमिक्स थोड़े ना कि हर जगह हम प्रिंसिपल घुसेड़ देंगे। अब जो फैक्ट है वो है, सवाल है कि एग्जाम में तो क्वेश्चन ही पूछेगा, फैक्ट पूछेगा ना तुमसे, तो क्या जवाब दोगे उसमें, क्या बताओगे, पूछ लेगा कि कौन इसको, इसके बाद कौन सा राजवंश आया, यह राजवंश का तुम्हें आरोही अवरोही क्रम बताना है, मगध में किन महान राजवंशों ने शासन किया। अब तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, तुम तो सोच रहे हो कि मौर्य ही दिया हुआ तो मौर्य से शुरुआत कर देते हैं, तो हर एक बेचारे को और जो है बाकी को तो तुम उड़ा दोगे सीधे, तुम जो या तो नंद वंश में घुसोगे या तुम जो घुसोगे सीधे मौर्य में, तो तुम्हें पता चला इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर तुम जो चौपट कर लोगे। इन डेट्स का उतना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंस है इनके अंदर के फैक्ट्स के। तो अजातशत्रु आया, अजातशत्रु के बाद, ठीक है, इसके बाद शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग में अजातशत्रु फोर्थ सक्सेसर वर, जैसे अभी बच्चे ने लिखा कि सक्सेसर पूछा गया था, थर्ड सक्सेसर कौन था, तो इस तरह से जो है वो क्लास आपकी, इस तरह से आप इसके फैक्ट्स को पढ़ सकते हो। एक हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं एक दो दिन में, आपको समझ में आ जाएगा, आपको बस पढ़ते जाइए और उसको याद करते जाइए। क्या लिख रहे हैं सुनील कुमार, समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखें। अरे तुम एक काम करो, उठो और दीवार पे अपना जोर से सर मारो, इसका भी इलाज है हमारे पास, दो बार सर पे मारोगे झंझनाहट अगर होगी तो याद आ जाएगा। तुम्हें इसमें लिखने के लिए कौन कह रहा है, तो काम मैंने कर दिया है ना। अब जैसे इन्होंने बताया अभी, अगर तुम लोग प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सर इसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। अगर तुम पीसीएस के मैक्सिमम क्वेश्चन, पीसीएस हो गया, स्टेट एग्जाम हो गया, एसएससी, इसके बाहर जाएगा ही नहीं तुम्हें, ये इतना बढ़िया जो है डॉक्यूमेंट है। अभी देखो बच्चे ने बोला कि सर पूछा गया है क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आया पूछा, तो ये एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें से केवल 30% इंफॉर्मेशन ही एनसीईआरटी में है, 70% इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है। ठीक है, तो मन करे पढ़ लो, मन करे अगर तुम कह देते हो कि हाँ सर खुद से पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, तो मेरा काम खत्म हो गया, मैंने इतनी मेहनत से तैयार कर दिया, बहुत है। फिर नंदवंश, तो किसने शुरुआत की थी, महापद्म नंद ने। ठीक है, आगे इनके 8 पुत्र हुए, एनसीईआरटी में कोई जानकारी नहीं दी है, बहुत रेयर कलेक्शन है ये, मतलब क्वेश्चंस को डिग कर करके बिहार पीसीएस, यूके पीसीएस, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी का जो है वो एक निचोड़ दे दिया तुम्हें, तो कहां कहां से इसके सेगमेंट हुए। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसमें पूरा दिया हुआ है, मौर्य डायनेस्टी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य आता है घनानंद को हराने के बाद, और फिर उसके बाद क्या होता है, मौर्य डायनेस्टी शुरू हो जाती है। मौर्य डायनेस्टी के समय पूछा गया था किसका इन्वेजन हुआ था, बताया था अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। ठीक है, और कौन सा युद्ध कहा जाता है उसको, बैटल ऑफ हाइडापेस बोलते हैं उसको। ठीक है, जो पुरु जो था,
और जो उनके हिसाब से झेलम रीजन में कौन सी नदी किनारे हुआ था, झेलम में होता है, सारी एक एक क्वेश्चन की लाइन सही है तुम्हारे पास। और पुरु क्या हुआ था, हार गया था, वो फेमस कहानी था जो एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, दुनिया भर का सेगमेंट है यहां पे। तो इसको पढ़ डालो, मैं एक बार खाली ओवरव्यू करते जा रहा हूं, याद तुम्हें करना है ठीक है। ये भी आया जो आपको ये हाईलाइट कर दिया ना, एग्जाम में आया हुआ है। तो किसके समय जो है वो अलेक्जेंडर का इन्वेशन हुआ था, उस समय घनानंद था, तो चाणक्य जो थे वो मदद मांगने गए थे कि देखो सीमाओं प्रवेश कर जाएगा, तो इसने जो है वो निकाल के बाहर कर दिया था, चल बाहर निकल ठीक है। तो जब बोला था तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारे शासन का ही उजाड़ दूंगा। तो उस बैटल का भी नाम पूछा गया, एग्जाम में आया हुआ ये ठीक है। और कहां किस नदी किनारे हुआ था, कहां से उसने घुसने का जो है शुरुआत किया था, उसने देखा था एक नदी जो थी उफनाई थी, तो पुरु का ध्यान उधर नहीं था, तो उसने देखा टापू के माध्यम से वो आ सकता है, तो उसने झेलम नदी को चुना था वहां पे। फिर सबसे महान साम्राज्यों की बात करें तो मौर्यन पीरियड था, तो मौर्यन पीरियड में हम आते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, उनको जो है क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक लिटरेचर में क्या नाम दिया गया, सैंड्राकटस, इसको क्या बोला गया, सैंड्राकटस ठीक है। तो ये बेसिकली किस तरह से आए, मेगास्थनीज, ये क्वेश्चन तुम्हें पता होगा, ये यूपीएससी में भी आया, मेगास्थनी लिव एट द मौर्यन कोर्ट, याद आ रहा है, किसी ने भी देखा होगा कि मेगास्थनीज का क्वेश्चन जो है वो किसके दरबार में, मेगास्थनीज किसके दरबार में थी, तो यूपीएससी यूपीपीसीएस, ये तो उनका दामाद की तरह रहा है, वो तो आएगा ही आएगा, जैसे फूफा होता ना शादी में, उसी तरह से ये रहा है। ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि मल्टीपल टाइम आया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, क्वेश्चन आया हुआ है। तो चंद्रगुप्त क्या हुआ, आगे वो जैनिज्म को अपना लिया था, धीरे धीरे स्लो स्टार्वेशन, धीरे धीरे अपने प्राण त्याग दिए थे चंद्रगुप्त ने भूखे रहकर, कहां पर, जो चंद्रगिरी हिल्स था ठीक है, उसको श्रवण गोल बेला कहते हैं, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, कर्नाटक में है ये ठीक है। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार जो है वो गद्दी पर बैठा ठीक है, नोन एज द, इसको जो ग्रीक में बिंदुसार का नाम क्या था, इसको अमित्राशेट्स बोलते थे। ही रिसीव्ड डायमाकोस इन द कोर्ट एज अ ग्रीक एम्बेसडर, तो इसमें क्या था, डायमाकोस इसकी कोर्ट में था जो ग्रीक फिलोसोफर था। बिंदुसार के बाद उसका बेटा जो है वो अशोक, अशोक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में काफी कुछ हम लोग जानते हैं, और किस तरह से उसने जो है वो अपना जो श्रीलंकन रिसोर्स से धर्म को बढ़ाने का कार्य किया, ये कहानी हमें जो है वो काफी ज्यादा पता है। और अशोक को क्यों महान कहा जाता है, जब उसने तलवार को रख दिया, धर्म चक्र की स्थापना की, प्रशासन के लिए नए नए जो है वो सेगमेंट बनवाए, ये सब तो आपको बेसिकली पता है। कलिंग वॉर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था ठीक है, तो यह भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फिर शुंग डायनेस्टी आती है, मौर्यन के बाद कौन आते हैं, शुंग आते हैं, तो पुष्यमित्र शुंग बहुत ही फेमस नाम माना जाता था ठीक है। अब क्वेश्चन ये आया हुआ, पतंजलि, पतंजलि मतलब ये नहीं बाबा रामदेव वाला नहीं, आपको पता होगा जो हमारे यहाँ आयुर्वेद के स्थापक थे वो महर्षि पतंजलि थे। तो महर्षि पतंजलि जिन्होंने आयुर्वेद को भारत में इतना प्रॉस्परस किया और जो है वो आगे बढ़ाया, तो पतंजलि किसके दरबार में थे, तुम्हें याद आ गया होगा ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो किसके, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे ठीक है। कौन सी किताब उन्होंने लिखी थी, महाभाष्य लिखी थी। ये सारे क्वेश्चन है यार, तुम इतना खाली याद कर डालो, इतना एक बार दो बार तीन बार पढ़ो, तुम्हें क्वेश्चन इसके बाहर तुम्हें नहीं जाएंगे। अच्छा हो तुम लोग बहुत बड़े बकायत, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, और क्लास में नहीं ना तो एक आध बहुत कसके मारता तो दो चार दिन तक याद आता। अच्छा पढ़ा मैं किस तरह रहा हूं, क्वेश्चन तुम ऐसे ही से पूछते हो कि मतलब जिसका इस क्लास से कोई लेना देना नहीं होता ठीक है। तो ना पढ़ना तो कौन कह रहा है यार, घर में बैठो यार आराम से, नहीं समझ में आ रहा तो गाय इतनी मेहनत तुम्हारे लिए कर रहे हैं। पुष्यमित्र ने दो बार अश्वमेघ यज्ञ जो है वो किए थे ठीक है। इसके बाद अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग को सक्सीड किया था अग्निमित्र ने ठीक है। इसके बाद सुयशेस्त, वशुमित्र, भगवता एंड देवभूति, ये इनके सक्सेसर थे। फिर शुंग वंश के बाद
तो वसुदेव जो है वो देवभूति को मार दिया था वसुदेव ने, और वहां से फिर क्या कर्ण डायनेस्टी कर्ण राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, कर्ण क्या थे? कर्ण देवभूति, भूमिमित्र, नारायण एंड सुशर्मन वॉज द नोन किंग। सुशर्मन वॉज द ओवरथ्रोन बाई सिमुखा द सातवाहन। तो कर्ण के बाद कौन आया? सातवाहन आ गए। तो इसे तुम्हें याद होगा कौन सा वंश किसके बाद आया था, 50 बीसी से 50 एडी यानी ईसा के बाद। ये वो समय था जब रोमन साम्राज्य के साथ हमारा व्यापार बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। फिर इंडो ग्रीक और ग्रीक्स कैसे कैसे भारत में आए, कब कब आए? ठीक है, डेमेट्रियस पंजाब और सिंध तक पहुंच गया था। फिर मेनेंडर आया, ठीक है, किस तरह से उसने जो है उसको मिलिंद भी कहा गया, इमोर्टलाइज मिलिंद भारतीय, उसमें जो है वो मेनेंडर को मिलिंद कहा गया, इंडो ग्रीक रूरल था। ठीक है, फिर शक आए, शक इन्वेड इंडिया, शक बाहर से यहां पर आए। इसके बाद विक्रमादित्य उज्जैन, ठीक है, तो उसने जो है शकों को बाहर निकाला। तो इस तरह से हमारे पास ढेर सारे पल्लवाज, ठीक है, कुषाण, इसके बारे में आपको साउथ में बताया था कुषाण। तो धीरे धीरे जो है वो शासक वर्ग जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों से होते हुए भारत में उसने समय समय पर अपना एक इतिहास यहां पर बनाया, राइट। फिर साउथ के शासन की तरफ हम चलते हैं, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। तो संगम एज हो गया, चेराज हो गया, संगम एज पे हमें लगातार क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल टेस्ट दीजिए पुराने। तो क्या आप इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने ये फैक्ट्स याद करना आपको बता दिया कि फैक्ट आपको कैसे याद करना है। आप सब कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी में, बस इसको पूरी तरह से इसको पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। इसको एक बार रीडिंग कर लो, सात वाहन कब आया डेक्कन प्लेटू में। इसमें क्या है कि एनसीईआरटी में फैक्ट्स मिसिंग है, एनसीईआरटी में बीटीएल है, कॉन्सेप्ट है, आपको फैक्ट्स भी याद करने, जो हाईलाइट कर दिया है कौन किसके, मतलब आप एक बार इसको पढ़ो। और पुराने पीसीएस में कम से कम 6 से 7 स्टेट्स का पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, ठीक है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, आप इनका उठाओ, इनको पढ़ना शुरू करो, तुम देखोगे इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहा जल्दी, बहुत रेयरली क्वेश्चन इसके बाहर जाएगा। सो ये इसको आपको रीड आउट करना है, ठीक है, वर्ड एक बार खाली इसको पढ़ लो, सो दैट विल फिनिश। इसके बाद खत्म है, अभी इसके बाद क्या पढ़ाऊंगा, इसके बाद एनसीईआरटी खत्म है, हिस्ट्री के बाद एनसीईआरटी खत्म हो गई, सब तो पढ़ा दी, आप कितने महीने पढ़ाऊंगा भाई। इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत से फैक्ट गायब हैं, और कई बच्चे, जैसे मुझे पता है कि इस क्लास में बहुत समय से ये हो रहा था कि 40-50% बच्चे इसमें पीसीएस देने वाले हैं, और जैसे भी बहुत से एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जैसे अभी ये बीएचयू का एंट्रेंस देकर आए, या तमाम अभी एक बच्ची ने जो है वो हरियाणा पीसीएस का एग्जाम दिया, बोला 100% क्वेश्चन वहीं से आए आपके। तो आप लोग एग्जाम दोगे तो ये आपको क्वालिफाई करने में बहुत मदद करेगी। मान लीजिए बहुत से बच्चे मुझे मैसेज आया था कि अभी जो पेपर होने जा रहा है यूपी पीसीएस का, उसमें भी देंगे, तो हिस्ट्री में यहां से क्वेश्चन तुम्हें काफी मिल जाएगा, काफी कुछ। हिस्ट्री टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा? हो गया होगा शायद, देख लेते हैं, अपलोड करा देंगे उसको। व्हाट वी आर रीडिंग एंड वे व्हाट आस्क मेक अ बिग डिफरेंस। पता नहीं क्या बार बार तुम एक ही बात लिखे चले जा रहे हो, पहले खुद देख लो क्वेश्चन लिख क्या रहे हो। व्हाट वी आर रीडिंग एंड डिफरेंस इज नॉट अबाउट द डिफरेंस, दिस इज द फैक्ट्स। हिस्ट्री इज ऑल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते, जब मैंने पढ़ाया देन जो है वो काम करेगा, लेकिन फैक्ट्स भी आपके लिए हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, छोटे छोटे जो है वो कॉन्सेप्ट आते रहते हैं। डन, इसके बाद मैं एनसीईआरटी के जो मेरे और भी टॉपिक्स बचे हैं उनको कंप्लीट करा देता हूं, लेकिन इसको बुकलेट को पूरी पढ़ डालो, ओके है?
ठीक है, ऐसे क्लास में चिल्लाता रहूंगा तो मजा नहीं आएगा। एक बार इसको पढ़ो, कहीं नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछो, तो फिर मैं अपना जो पुराना स्टाइल है उसको कंटिन्यू कर दूंगा। बट इसको तुम्हें याद करना है, ठीक है? ये बड़ी मेहनत से बनाया है, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, तो आप कम से कम इसको पढ़ डालो। अच्छा, ये बार बार एक ही क्वेश्चन को 20 बार टाइप कर देने से बहुत कुछ बदल नहीं जाएगा, तो क्यों परेशान कर रहे हो? ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मेरी तरफ से एक एडिशनल है, आपका कोई फैक्ट छूटेगा नहीं, ये सबसे बड़ा जो है खास बात है। ये ले, एक तो मन करता है ये कहां से मिलेगा ना, निकाल पाता तो मैं कायदे से पूछता रख के तुम लोगों को, बहुत तुम लोग परेशान करते हो, कहां से अब इनको मिलेगा? फिर बताया ना कि स्वर्ग की साधना करनी पड़ेगी। बैच 2023 में पढ़ सकते हैं, तुम्हारा मन करे तुम बुढ़ापे में पढ़ो, हमसे क्या लेना देना, हमारा काम पढ़ाना है तुम्हें। इसमें कुछ बदलाव थोड़े होने जा रहा है, हो जाएगा। ज्योग्राफी ऑप्शन कब स्टार्ट होगा? ज्योग्राफी ऑप्शन मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मेरे पुराने लेक्चर्स पढ़े हुए उसको पढ़ लो, मैं उसकी क्लास नहीं लेने जा रहा। मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री है तो भाई मॉडर्न हिस्ट्री आगे बढ़ोगे तो मॉडर्न तुम्हें दिख जाएगा, आ रहा उसमें अभी एनसीईआरटी में बचा हुआ, उसको पढ़ाना। डन, मॉडर्न भी है मेडाइवल भी है, तो फिर आगे हम लोग उसी तरह से उसको करेंगे। ये हाँ या ना बोलो मुझे, इस नोट्स को पूरा पढ़ डालोगे? हिस्ट्री में बहुत हिस्से में लॉजिक नहीं काम आती है, वहां फैक्ट ही काम आता है। तुम ये सोचो कि ओजांग सर उसमें हाई प्रेशर लो प्रेशर बता देंगे तो तुम्हारा मानसून जो है बारिश हो जाएगी, नहीं, इसको कर लो। ये मेरा तुम्हारे साथ कमिटमेंट नहीं था, ना एनसीईआरटी में ये था, मैंने दे दिया क्योंकि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, हम लोगों ने गंभीरता से पढ़ाई की। तो ये है कि भाई पीसीएस भी तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए, कोई और छोटे मोटे एंट्रेंस तुम्हारे छूटने नहीं चाहिए, मुझे पता है कि इधर उधर मुंह मारोगे ही, तो कम से कम तैयार होकर जाओ, कम से कम कहीं सफल हो जाओगे तो याद तो करोगे। डन, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको दफना के रख दोगे तो हिस्ट्री का पेड़ निकल आएगा, पढ़ना पड़ेगा इसको, मेहनत से बनाया इसको, और एक बार पढ़ के पीसीएस के क्वेश्चन लगा डालो, क्वेश्चन तुम्हारे मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाएंगे। ठीक है, चलो कर लेना भाई, पढ़ लेना इसको, इसके LWMI नोट्स बना डालो, इसके फैक्ट्स को अंडरलाइन कर डालो, प्रिंट ले लो इसका, और उसको बार बार पढ़ो, पेंसिल से निशान लगाओ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको अलग निकाल लो, दो तीन बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। डन है, बाकी कॉन्सेप्ट बैच मेरे साथ चलता रहेगा अपना। अभी इसमें आपका हिस्ट्री है एनसीईआरटी में, चाहो तो इतना पढ़ लो, मान लो बहुत जल्दी में हो, निकलने वाले हो, तो इसमें पूरा दे रखा है, ये तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। इतने पढ़ लोगे तो बहुत बड़ा एहसान करोगे, नहीं तुम्हारा क्वेश्चन बाहर जाएगा। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन इसमें, इसी बार का पीसीएस का आईएएस का पेपर निकाल के देखना, दो क्वेश्चन तुम्हें यहां मिल जाएंगे इसमें से। ठीक है, तुम अब सवाल है कि तुम पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो, बस ये तुमसे कह रहे हैं। एक बार पूरा रीड, इसमें तुम्हें सबसे बड़ा फायदा क्या बता रहा हूं, तुम्हें सबसे बड़ा, इतिहास जो एनसीईआरटी में बिखरा हुआ है वैसे फैलता है बहुत तेजी से। इसमें मान लो तुमने पूरा पढ़ लिया, तुम मध्यकालीन आ गए, खिलजी तुमने पढ़ लिया, सारे फैक्ट्स तुम्हें इकट्ठे मिल गए। ठीक है, अब देखो मैंने कितना सही से एरो बना बना के, इतने छोटे छोटे शब्द, इतनी मेहनत किया इसके लिए मैंने। ठीक है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद इन्वेजन ऑफ गुजरात किया उसने, बिल्कुल ये LWMI है, क्योंकि टाइपिंग में वो मेरी तरह से हाथ से नहीं बना सकता, तो मैंने ये भी LWMI ही है। कहां पर युद्ध किया, रणथंबोर का हुआ था, चित्तौड़ हुआ था, मालवा, इन्वेजन ऑफ डेक्कन अंडर मलिक काफूर, किसने किया था, सारे क्वेश्चन पूछे गए, यूपीएससी में पूछे गए भाई। तो जब आप मेडाइवल, तो वैसे भी अपने आप में इतना डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें सबसे ज्यादा आसान है, मेडाइवल के क्वेश्चन जबरदस्त फंसेंगे। अब ये सौम्या जी ये कह रही कॉन्सेप्टर को नहीं मिला है, कॉन्सेप्टर को नहीं मिला ये पीडीएफ, हाँ या ना में जवाब दो। ये मैंने अपने हाथ से लिख लिख के इसमें डाला भैया, अब टाइपिस्ट को भाई ये था कि सर वो एरो एरो नहीं बन सकता, तो इस तरह से उसने बनाया कि सर इस तरह से बना दे रहे हैं। ठीक है, नई कैपिटल सिरी में यहां स्थापित की इसने, शाहबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन, मुबारक, ये सब इस समय के जो शासक थे, तुगलक में कौन कौन से थे, तुम अगर पेपर उठा के देखोगे सारा इसमें तुम्हें मिल जाएगा, इससे शॉर्टेस्ट नोट्स है, इसलिए बच्चों को बहुत पसंद आया था ये। ये देखो सब कह रहे मिल गया, तुम्हें कहां से भेजें, कुरियर कराएंगे यहां से पीडीएफ, थोड़ा सा देखा करो अपनी क्लास व्लास, तुम्हें देख के हमें अजगर की याद आ जाती है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम।
जब सबके दाता राम, क्या करोगे? तो अगर तुम यही खाली पढ़ लोगे, एक दो दिन समय ले लो, आज रात भर बैठ जाओ, कल बैठ जाओ दिन भर, तो सारा समय ले लो और इसको खत्म कर डालो, तो एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो मैं एक तो इसके सबसे बड़ा फायदा तुम्हें बताता हूं, इसका प्रिंट ले लो, सबसे बड़ा तुम्हें फायदा बताता हूं, इसमें तुम्हें इतिहास का प्रवाह याद हो जाएगा। एनसीईआरटी में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, एनसीईआरटी में उसने नए तरह के सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन क्रिएट करने के चक्कर में कभी गांव के बारे में बात कर रहा है, कभी शहर के बारे में बात कर रहा है, कभी कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा है, रजवाड़ों के साथ उसने आम जनता को जोड़ने का प्रयास किया, तो उसमें वो क्या हो रहा है, एक अलग डायमेंशन क्रिएट करने के चक्कर में इतिहास में जो प्रवाह है वो उसने गायब कर दिया। ये उसके साथ एक दिक्कत है एनसीईआरटी के साथ। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ते तो तुम्हें ये पता चलता है भाई उस समय दुर्ग थे तो आम जनता क्या कर रही है, शिल्प कैसे था, ये मैंने डिस्कशन किया आपसे। आगे चलकर इतिहास में भी कालखंड में आगे पीछे भागता रहेगा, जैसे आगे जाओगे मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के ब्रिटेन में क्या चल रहा है उसके साथ जोड़ेगा। लेकिन इसको जो है, इसको पढ़ने से तुम्हें इतिहास कैसे कैसे डेवलप हुआ, कौन सा राजवंश, उसके बाद दूसरा क्या, तीसरा आया, चौथा आया, कैसे हुआ, कैसे डेवलप हुआ, युद्ध कौन से हुए, छोटे छोटे माइक्रो लेवल के टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। डन। ये कौन है भाई, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 का बैच कब से स्टार्ट होगा, इनको बताओ भाई जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 का बैच कब से स्टार्ट होगा। सुबह में क्या कर रहा था, कल क्या कर रहा था सुबह में, आए कहां हो, मेंस का बैच शुरू हो चुका है, जागो मोहन प्यारे। यहां तो हमारे जितने भी दिग्गज हैं उनकी तेल निकाल दिया मैंने, कितना होमवर्क मिल रहा है, कितना जबरदस्त काम हो रहा है और कितने नए नए सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं। एमए क्या है, अब तो हमारे क्लास के बच्चे समझ में आ गए एमए हम क्या तैयार कर रहे हैं। एमए, हाँ जी मैडम जी थोड़ा जागे, मींस का बैच शुरुआत हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है उसका, और यहां भारी भरकम जो है दीपावली तक का असाइनमेंट मिल चुका है, यहां जान निकली पड़ी लोगों की। आप वर्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, अरे क्या तुम्हें मतलब है, तुम्हें पढ़ने से मतलब है ना, तुम्हें कैसे होगा, मैं क्या काम करूंगा, मेंस बैच में ये सब क्वेश्चन पूछने का तुम्हें अथॉरिटी नहीं है, वो सब जितनी बकैती यहीं पर है वहां सिर्फ तुम्हें इतना काम रहेगा तुम्हें सर उठाने का मौका, 8 घंटे का टाइम टेबल आज दे रखा है मैंने, वहां तो सोना जागना खाना पीना सब उजांग से पूछ के होगा, तो क्या पढ़ाऊंगा क्या नहीं पढ़ाऊंगा इससे तुम्हें लेना देना नहीं है। हाँ अंदाजा लग गया होगा कितना भारी भरकम बैच होने जा रहा वो, तो जितने भी लोग मेंस के लिए जिनको प्रिपरेशन करनी है वो उस बैच में चले जाए, सोए नहीं, समय कम बचा है। दिवाली गिफ्ट दे दी, हालत खराब है, सब मुझे सोच रहे होंगे वैसा इतना काम मिला है उजांग सर दिवाली खा गए इस बार, मेंस वालों की तो हालत खराब कर दी अभी। अभी तो उसमें बैठा के जब पढ़ाऊंगे तब और मजा आएगा, कई लोगों का बाद में मैसेज आएगा सर अरे बताइए सर योजना में क्या करना है, मैंने कहा अभी तो सिर्फ कलेक्ट करने के लिए बोला है, अभी तो उसमें जब पढ़वाऊंगे तब मजा आएगा। क्या आ गया शिवानी का बैंड बज गई सर 5 दिन में, तो बैंड तो बजेगी भाई, मेंस इस बार निकालना है और तुम्हें अंदाजा हो गया होगा बहुत प्रिपरेशन करके मैंने इस पूरे बैच को बनाया है, ठीक है। और तुम्हें थोड़े समय में जब तुम जो मैंने अभी काम दिया होमवर्क, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि वो वाकई में जाके यूपीएससी को हिट मारेगा सीधे। चले तो एनसीईआरटी कितने दिन बची है, एनसीईआरटी अब हफ्ते भर का कोर्स और है खत्म, दिन में 2-2 क्लास लेके इसको खत्म कर दूंगा, दीपावली से पहले तुम्हें वादा करूंगा, बहुत दिन तुमने हमें देख लिया, हमने तुम्हें देख लिया या तुम्हें सुन लिया तुम्हें पढ़ लिया, तो अब वादा करने का वक्त आ रहा है, दीपावली के समय ही हम एक दूसरे को अलविदा कहेंगे। वहां भी आप टाइम टेबल बताओगे, अरे बता दिया वहां भी टाइम टेबल बता दिया भाई, वहां तो यही बताऊंगा कितने टाइम खाना खाना है, कितने घंटे सोना है, वहां तो बहुत कुछ चलने जा रहा है, ऐसे थोड़े ना 8 घंटे 9 घंटे मेंटेन होगा। हाँ जी चले मिले, तो जो लोग मेंस में जाना चाहते हैं वो शुरू में टाइम नहीं बचा है, अप्रैल तक कोर्स खत्म करना है हमें वहां पे, और बहुत ज्यादा तरीके से रेंज जो वर्ड आज मैंने इस्तेमाल किया वो रेंज पकड़नी है हमें। और दूसरा एनसीईआरटी में आप लोग रिवीजन करते रहिए, मैं अपनी हद से बहुत आगे चला गया हूं, 4,000 रुपए में आज की डेट में कोई इतना भी नहीं देता है, और जो महानुभाव मेंस जो मेंस में जा रहे हैं वो आंसर राइटिंग में जरूर चले जाएं। आज आंसर राइटिंग में क्या कल क्या हुआ और आज क्या हुआ अंदाजा लग गया यूपीएससी में, जो तुम्हें लोगों ने हिंट दिया कि कहां से ट्विस्ट आ रहा है, तो लोग जो नहीं गए वो प्लीज चले जाएं,
और जिनको अंग्रेजी में डर है, क्योंकि देखो अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, सारे सोर्स मैंने वहां से तुम्हें दे दिए, और जो हिंदी माध्यम वाले हैं जो कह रहे हैं ना कि इंग्लिश में बहुत टेंशन होती है, टेंशन ही खत्म हो जाएगी वो एक को, लेकिन रवि बजाज सर की जहां जरूरत हो चाहे ग्रामर में वोकैबुलरी उनके साथ पकड़ लेना, कहीं ऐसा ना हो कि 1000-2000 रुपए के चक्कर में तुम अपना जीवन बर्बाद कर लो, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। मेरा काम है पूरी फ्रेम को तैयार करना, बढ़िया से रणनीति बनाना, यूपीएससी को खोद खोद के निकालना। अब वो तुम्हारी मर्जी कि तुम उसके साथ जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। आलम ने लिखा है कि बहुत डोज मिल गई, अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी तो 50% डॉक्यूमेंट तुम्हें नहीं रिवील किए हैं। 7 महीने से अपना सर पटक पटक के क्या रिसर्च कर रहा था, इसी वजह से कर रहा था ना। कॉन्सेप्टर ईडब्ल्यूएस का मेंस कब से स्टार्ट हो रहा, बड़ी मार खाओगे अभिषेक कुमार के दिन। अभी दूध के दांत टूटे नहीं, हमारे यहां कहावत है कि बिच्छी का मंत्र जाने ना सांप के बिल में। अभी पहले कॉन्सेप्टर तो 1 साल रुक के पूरा कर लो, फिर उसके बाद मेंस बैच शुरू करना। कहां तुम्हें चुल्ल कट रही है? क्या कॉन्सेप्टर बैच के स्टूडेंट को मेंस लेना होगा? जब तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। क्यों? मैक्सिमम बच्चे तो उसमें कॉन्सेप्टर के हैं, तुम्हारा जब वक्त आएगा तो अपने आप तुम्हें मिल जाएगा। बेवजह के क्वेश्चन पूछ के अपने अपनी ब्रिलियंसी के बारे में हमें जानकारी मत दो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। सर कोर्स पे से क्लास मत रिमूव करिएगा क्या? आप एनसीईआरटी में मॉडर्न हिस्ट्री कब पढ़ेंगे? तुम मुझे अब ये जवाब दो कि तुम ये मुझे पढ़ के कब पूरा करके दे रहे हो या दे रही हो, जो भी तुम्हारा नाम है, तो मुझे बताओ ये मुझे कब पूरा करके। अगर मैं इसमें परसों टेस्ट ले लूं तो मुझे इस पूरे बुकलेट से टेस्ट परसों हो जाएगा? आज रात भर कल रात भर जग लोगे? हाँ या ना में जवाब दो। अगर मैं इससे टेस्ट बना दूं तो मुझे इसमें से टेस्ट पास करके दिखा दोगे तो मैं आगे मॉडर्न पढ़ा दूंगा? बचा क्या है इतना एनसीईआरटी में, ठीक है? वो तो मुझे आगे 34 टॉपिक्स पढ़ाने ही है उसमें। क्या एनसीईआरटी के बाद सीधे मेंस के लिए देख सकते हैं? अरे मेरे ख्याल से इस एनसीईआरटी बैच से 50 से ज्यादा बच्चों ने मेंस में एडमिशन लिया है, और अच्छा कर रहे हैं। जितनी देर तुम सोचोगे या सोचोगी उतनी देर में तो हमारे यहां हम लोग पता नहीं कहां आगे पहुंच जाएंगे। ये बताओ इस पर मैं तुम्हें अगर कल का टाइम दूं, आज रात भर का टाइम दूं, दो रात जग लो, कौन सी बड़ी बात है? मुझे इस पर अगर मैं टेस्ट बना के दूं परसों तो क्या टेस्ट दे दोगे? मोहित ने कहा मरवाएंगे क्या? मरी जो क्या दिक्कत है, जी के करोगे क्या ऐसा? ठीक है, या तो लड़ो या तो मरो, ठीक है? डू और डाई कितने पहले कहा गया है, या तो करो या मरो। हाँ जी, तो कम से कम बहादुर की मौत मरो ना, क्या फायदा। हाँ बोलो। आई देखो, नहीं 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 नहीं, क्या बात है। जग लो, अब कोई काम नहीं है, रात भर बैठ के पढ़ो, आज कल पढ़ो, टेस्ट देके सोना। अब करा लें थोड़ा वक्त और कहा यमराज और ओजांक, ये वक्त थोड़े देते हैं। संडे को, अरे हम कल तुम्हें छुट्टी दे दे रहे हैं, कल तुम्हें क्लास में नहीं परेशान करें, कल तुम्हें छुट्टी दे रहे हैं, पढ़ो रात भर बैठ के, आंखें लाल कर लो। जानते हो ये लाल आंखें जो होती है ना, जब सूजी हुई थकी हुई, तो ये एकदम शौर्य गाथा की तरह लगती है, जैसे कि एक वीर के शरीर पे जो जख्म होते हैं योद्धा के, तो उसको ताकत देते हैं, उसी तरह है। इतना कर लो, हिस्ट्री तुम्हारी मुट्ठी में डाल दूंगा, क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाने वाला इसके बार, ठीक है? कम से कम 14-15 क्वेश्चन आएगा, तो 10-11 क्वेश्चन तो मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। देख लो परसों नरसों टेस्ट दे दो, इस पे दो हिस्से में टेस्ट करा देते हैं, मेडाइवल तक का टेस्ट 1 करा देते हैं, मेडाइवल 2 का टेस्ट 2 करा देते हैं, और इसको खत के खत्म करो। फैक्ट्स है, इस बहुत मेहनत की यार इसको बनाने में, बहुत, कितनी कितनी बार गलतियां सुधारी हैं, कितनी कितनी बार शॉर्ट में लिखा है उसको, सिर्फ रीड आउट करो, तुम्हें बहुत काम हो जाएगा। कर दे, फिर आगे पढ़ाना मेरे लिए आसान हो जाएगा, तुम्हें सब गवर्नर जनरल के नाम याद हो जाएंगे, वाइसराय के नाम या युद्ध सारे याद हो जाएंगे, कर्नाटक, एंग्लो मैसूर, फलाना ढिकाना, फिर मेरे लिए समझाना आसान हो जाएगा। चलो रेडी, मेडाइवल तक का टेस्ट पहला, मेडाइवल से लेकर मॉडर्न का टेस्ट दूसरा। आई देखो 7 दिन का है, तुम 2-3 साल ले लो ना इसको पढ़ने में, 7 ही दिन का है, मांग रहा हूं हमसे 2-3 साल ले लो। पिता से बोलो पंचवर्षीय योजना हमारी चालू है, नीति आयोग आ गया तो क्या हुआ। हाँ।
चलो मिलते हैं, चलो तुम्हें देते हैं, हम तुम्हें दर्द देते हैं कायदे से, दो टेस्ट लूंगा और इसी में से लूंगा, और जो नहीं देगा उसको आगे क्लास में नहीं बैठने दूंगा मैं, उसको जितने जितने के टेस्ट आएंगे मेरे पास सिर्फ उतना रख के बाकी सबको क्लास से रोक दूंगा आगे, दे दिया अब जाओ अपना 4,000 रुपए में क्या मेरी अतड़िया थोड़े ना मेरे किडनी थोड़े बिकवाओगे, ठीक है तो आगे जाओ अपना काम धाम करो, लेकिन यहां से इतना ही होगा। चलो जो टेस्ट नहीं देगा वो अपना समझेगा फिर।